नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में, जो कि कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारी क्वेरी आते हैं कि इस स्टॉक पे हम क्या करें, इस स्टॉक के बारे में बताइए। तो इस तरह के हम जो आगे चल करके एक लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम बताएंगे इस स्टॉक में अभी आपको क्या करना चाहिए। फंडामेंटल्स आपको हम लगातार वीडियो में बताते हैं, फंडामेंटल्स आपको चेक करना है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तभी हम टेक्निकली उस स्टॉक पर जाएंगे, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ क्या करना है। तो उसी में सबसे पहला है रिलायंस पावर। दोस्तों आप भी जानते हैं कि रिलायंस पावर फंडामेंटली बिल्कुल भी स्टॉक अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 8-10% मिलेगा, उस पर भी आपको 15-20% शेयर जो इसका प्लीज है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक बाय करने लायक है ही नहीं। तो यहां पर अपर सर्किट क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि इसमें न्यूज है कि जो प्रॉफिट कंपनी यहां पर दिखाई है, तो प्रॉफिट कंपनी जो दिखाई उसके कारण इसमें देख सकते हैं कि यहां जो है तेजी देखने मिला है। तो दोस्तों इसके ऊपर मत चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सबसे पहला चीज़ मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कंपनी पूरी तरह से डेट में है, कंपनी के ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं। उसके बाद कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक भी काफ़ी कम है, जो भी स्टेक है उसका भी काफ़ी सारा शेयर प्लेस्ड है। तो ये सारे फंडामेंटल काफ़ी मतलब खराब है। और कंपनी का चार्ट देखेगा तो टेक्निकल चार्ट कभी भी नहीं कहता है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर जब उपलब्ध हैं, आप अगर छोटे प्राइस में ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जेनिथ हेल्थ केयर है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। लेकिन ये नहीं है कि वो स्टॉक आपको रिटर्न देगा ही अच्छा, क्योंकि वो कंपनी अभी काफ़ी छोटे फेज में, काफ़ी नीचे अभी चल रहा है। तो उसमें कंपनी जब तक थोड़ा सा ऊपर नहीं ग्रो कर जाती है, तब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। तो जैसे केयर हो गया, 3i इन्फोटेक हो गया, ये जो छोटे छोटे 5-10 रुपये वाले शेयर हैं वो अच्छे शेयर हैं, आप चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको अवॉइड कीजिए सारे शेयर को। यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, इस तरह के चार्ट को तो देखना ही नहीं, इस तरह के चार्ट को मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करना है क्या करना है। ऐसे चार्ट जहां आपको देखने मिल जाता है वहीं समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ है, तभी तो इसका चार्ट यहां हमें बता रहा है कि ये उस कंपनी बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा हमको रिटर्न मिलेगा। तो इसमें हम 100 शेयर बाय करते हैं, उसके बदले एक अच्छे शेयर बाय करेंगे किसी अच्छे कंपनी में। उसके बाद आता है फ्यूचर रिटेल, उसी कैटेगरी का यह स्टॉक है, ये भी अमेजोन और रिलायंस के बीच जो डील है फंसा हुआ है, दोनों के बीच झगड़ों के बीच। तो इसमें भी हम क्यों बाय करें, ये 100 रुपये का शेयर था जब डील आया था, वहाँ से देखते हैं नीचे आ रहा है, कभी ये ऑपरेटर इसको दौड़ाता है फिर नीचे लाता है, ऑपरेटर दौड़ाता है फिर नीचे लाता है, तो इस तरह का सिचुएशन है इसमें। तो आप इसमें भी क्यों फंसे, देखिए इसका भी चार्ट लगातार देखिए शेयर नीचे, शेयर प्राइस आ रहा है, तो इस तरह के चार्ट को हमें कंसीडर ही नहीं करना, इन सारे स्टॉक से दूर रहिए, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के शेयर हैं। देखिए जब शुरुआत के दिन थे तो हम भी दूसरों के कहने पे इसमें फंस जाते, लेकिन हम आपको कह रहे हैं इसमें मत फंसिए। आप इसमें देखिएगा जब न्यूज आएगा तो इसमें तेजी देखने मिलेगा, न्यूज जैसे मार्केट में पुराना हो गया फिर धीरे धीरे ये शेयर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें रिटेल इन्वेस्टर तेजी देखता है तो जब ये रन कर जाता है 2-5 दिन, तब रिटेल इन्वेस्टर हायर लेवल पर फंसते हैं, फिर आप लॉस करते हैं। तो इस तरह के लॉस से बचिए। जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है आपको हम अपने वीडियो में माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब बताते हैं। आप जनरली लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, छोटा अमाउंट स्मॉल कैप, माइक्रो कैप इस सब में इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादातर जो है लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, HUL हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरह के जो अच्छे अच्छे शेयर हैं जिसमें आपको एकदम बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। और आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कीजिए जब भी गिरावट मिलता है जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के लार्ज कैप स्टॉक्स है, और आराम से सोए रहिए, अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट करके वहाँ से मिलेगा आपको। उसके बाद है 3i इन्फोटेक, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है अगर बिजनेस के मामले में कहा जाए, क्योंकि बिजनेस इसका भी काफ़ी मतलब जो है वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें भी प्रमोटर एग्जिट ले चुका है, तो इसे चला कौन रहा है, एम्प्लॉय लोग जो हैं इनके वही चला रहे हैं। तो ये कंपनी ज़बरदस्त क्यों है, क्योंकि इसमें जो है इसका स्टेक जो है बिजनेस का सेल किया जा रहा है, अगर वो सेल हो जाता है तो 1000 करोड़ का सिर्फ उसका एक जो बिजनेस बिकेगा और दूसरा भी बिजनेस है कंपनी का। तो इस तरह से कम तो यहाँ से शेयर प्राइस डबल होना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट कैप इसका देखेगा तो मात्र जो है 1100 करोड़ का मिलेगा, जबकि 2000 कम से कम इसका मार्केट कैप होना चाहिए। तो यहाँ से डबल का पोटेंशियल है इस स्टॉक में। साथ ही साथ ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉफिट भी दे रही है।
उसके बाद अगला है ट्रीडेंट लिमिटेड, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है पैनी शेयर्स में। अगर आप छोटे प्राइस में बाय करना चाहते हैं, रिलायंस पावर वो सब फ्यूचर रिटेल छोड़िए, ट्रीडेंट जब भी आपको गिरावट मिलता है बाय कर लीजिए, ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है छोटे प्राइस वाले स्टॉक में। तो यहाँ देखिए ये कंसोलिडेशन फेज था, जैसे ये कंसोलिडेशन फेज पूरा करता है स्टॉक रैली करता है, फिर अभी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, देखिए तो धीरे धीरे ये ऊपर नीचे इसी प्राइस पे करेगा, और यहाँ से जैसे ऊपर निकलता है तो फिर ये एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ से कंसोलिडेशन फेज चल रहा था तो यहाँ से मूव किया, तो शेयर कितना मूव किया 36%। तो देखिए एक बार में मूव करता है 36%, यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेट किया, यहाँ से कितना मूव हुआ 78%। तो इसी तरह एक कंसोलिडेशन फेज चलता है, फिर ये मूव करता है वन ईयर में, देखिए हमेशा एक बार कंसोलिडेशन फेज, फिर ये कंसोलिडेशन, फिर यहाँ से अप मूवमेंट। तो अभी ये फिर से यहाँ कंसोलिडेशन फेज अपना पूरा करेगा, जैसे मूव करने लगे आप बाय कर लीजिए इस स्टॉक को। उसके बाद IOC काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, जो कि हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि IOC काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करता है, गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसमें आपको ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। अगर ये गिरावट में जैसे मिल रहा था तो आप इसमें अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपने पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी होना चाहिए। आप इन्फोसिस ले सकते हैं या ये इन स्टॉक को भी ले सकते थे, इन्फोसिस ज़्यादा बेटर था क्योंकि उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, इसमें गवर्नमेंट का सिक्योरिटी मिलेगा। अगर गिरावट में मिलता है तो इतना तो हम आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, निश्चित यहाँ से कुछ ना कुछ तो ग्रोथ दिखाएगा लॉन्ग टर्म में, या हो सकता है एक साइकिल प्रोसेस चलता है, जैसे PSU सेक्टर का भी कोई साइकिल नहीं, अभी PSU सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है आने वाले समय PSU सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है ग्रोथ के साथ। ये भी स्टॉक में काफ़ी सारा बेहतरीन न्यूज़ है, काफ़ी लोग पूछते हैं IOC के बारे में बताइए, तो अभी देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन आया है, इसी कारण आपको इसमें तेजी देखने मिल रहा है। तो रिजल्ट को लगातार चेक करते हैं, जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिजल्ट जो कंपनी 28% का प्रॉफिट में जंप हुआ है, उसी कारण आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी जंप देखने मिल रहा है। 110 रुपीज का कई सारे ब्रोकर ने टारगेट दिया था जो कि अचीव हो चुका है, मतलब कल ये मतलब 109 रुपीज 90 पैसा हुआ, तो 110 अचीव हो गया, नया टारगेट आपको कई सारे ब्रोकर देंगे। तो यहाँ से कंपनी जो है ऊपर का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर कंपनी में बात करें तो अगला जो हमारा इसमें टारगेट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर टारगेट अगला जो होगा जो रेसिस्टेंस है 120 रुपीज, जिसका रेसिस्टेंस है ऊपर, तो 120 रुपीज़ तक ये यहाँ से जा सकता है। उसके बाद यस बैंक भी हमने पहले बात किया था, यस बैंक आपको तभी मूवमेंटम दिखाया 20 रुपीज़ के ऊपर जाएगा, अभी ये 13 रुपीज़ के आसपास था, तो वहाँ से थोड़ा सा देखते हैं 5-10% ऊपर गया है। तो इसी तरह ये स्टॉक अभी 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा जब तक इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे नहीं हो जाते, फंडामेंटल्स जब तक रिजल्ट इम्प्रूव नहीं हो जाता, कंपनी के फाइनेंशियल इम्प्रूव नहीं होते, तब तक आप इसमें कुछ खास देखने नहीं मिलेगा। और जब तक ये 20 रुपीज़ का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है, तो वहाँ से टेक्निकली रूप से आप इसमें मोमेंटम का एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट में जंप है वो आपने देखा है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट में जंप है, जिसके कारण शेयर प्राइस में भी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिला है। अभी देखिए आप अगर एक महीने में देखिएगा तो काफ़ी जंप है शेयर प्राइस में, देखिए एक वन मंथ में 20%, तो काफ़ी ज़बरदस्त शेयर प्राइस में जंप है। अभी आप स्टेट बैंक इंडिया में अगर इन्वेस्टेड हैं तो अभी बने रहिए, क्योंकि इसमें एक नया हाई आपको देखने मिल सकता है। देखिए ये स्टॉक जब जब गिरावट करता है काफ़ी बेहतरीन बाउंस बैक करता है, और अगर लॉन्ग टर्म देखिएगा तो PSU सेक्टर का सबसे बेहतरीन स्टॉक है, और 2000% का रिटर्न दिया है पिछले 20-25 सालों में, तो कुछ खास नहीं है। जबकि आप किसी भी और भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किए रहते तो आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां से प्राप्त होता। वहीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, BPCL, इसमें भी ज़बरदस्त तेजी देखने मिला है। तो अभी जो रिजल्ट का समय है तो कंपनी के रिजल्ट को देखते रहिए, जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे उसमें ज़रूर तेजी देखने मिलेगा, हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब से मिले, किसी में थोड़ा जल्दी देखने मिलेगा। तो ये इस सब शेयर को आप देखते रहिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये सारे, और इस कंपनी का भी जो डिविडेंड यील्ड है देखिए 4% से ऊपर है। अगला है हमारा लार्सन एंड टुब्रो, इसमें भी आज कवर काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखने मिला, 1.76% का तेजी है। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, देखिए ये स्टॉक भी देखिए ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद एक रैली होती है, फिर यहाँ पर करेक्शन हुआ और ये रैली शुरुआत हो चुका है, देख सकते हैं आप चाहे तो इस रैली को पकड़ सकते हैं। और इस रैली में हमारा जो अभी फिलहाल टारगेट होगा यहाँ से वो हमारा होगा 1550 रुपीज़, 1550 हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए इसमें,
तो 1550 तक ये स्टॉक इजीली जा सकता है। अगर वो 1550 को क्रॉस करता है तो फिर आपको एक नया हाई इसमें देखने मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है, ऐसे भी आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो भी स्टॉक है उसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिल सकता है। तो कंस्ट्रक्शन स्टॉक में आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको फाइनेंस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टॉक में आने वाले समय में काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।